आपको कितनी सिंधी आती है? शहर से ज्यादा ही कम? मुझे सिंधी आती है, वो तुम सबूत देख सकते हो, उसकी शादी नहीं हुई है ना, अभी वो बिस्तर में पड़ी हुई है दोपहर। मुझे भी तो मिला नहीं ना सुधारने के लिए तुम्हारे जैसे सुबह सुबह। गायत्री शादाब ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट मंगवा के रखा है, वुड यू लाइक टू अनबॉक्स इट? भाभी की बहन को खाना दे रहे हैं, हम भाभी की बहन डिस्कशन कर रहे हैं। तू कितना कंटेंट बनाएगा वो मेरे नाम पे, मेरे को मेरा शेयर चाहिए अभी। परसेंटेज बताओ। बाय बाय, जल्दी आना, आई नीड अ पार्टनर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार हो गया हूँ रेडी, और आपको पता ही है मेरी साली आई हुई है तो उसको भी निकलना है अभी बरेली, तो मैंने कहा थोड़ा सा आज स्किन केयर कर लिया जाए अच्छे से, तो सबसे पहले परफ्यूम ही लगा लेते हैं। तो ये है पैकोरबैन 1 मिलियन, जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है, बहुत ही स्वीट फ्रेगरेंस है इसकी। क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? हैं, महक रहा है वॉशरूम बहुत अच्छा। तो शिल्पा को जब मैं मिला था पहली बार, मैंने यही परफ्यूम लगाया हुआ था, जिससे फैन हो गई थी एकदम। फिर इसका गर्ल्स वाला भी ला के दिया था इन्होंने। हाँ। और मेरा फेवरेट परफ्यूम भी देख लो, ये मेरा फेवरेट है, बर्बेरी बॉडी। तो पर्सनल रिकमेंडेशन अगर किसी को चाहिए तो 1 मिलियन फॉर बॉयज एंड बर्बेरी बॉडी फॉर गर्ल्स। यस। गुड मॉर्निंग गायत्री खटवानी, कैसी कटी आपकी रात? बहुत जेट लैग हो रहा है। अभी भी नींद आ रही है? हाँ। तो फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हें घुमा देते हैं थोड़ी देर। सारे तैयार होके? यार आज मैं बस सोचा तैयार हो ही जाता हूँ, निकल लेता हूँ कहीं, तो तुम हो जाओ तैयार फटाफट, मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, तैयार हो गए? कहीं नहीं, तैयार क्यों हो रहे हम? सुबह तैयार ही होते हैं। पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना है फिलहाल अभी तो। बट हम सुबह तैयार ही होते हैं नहा धो के दोनों, ऐसे ऐसे कब से? बचपन में तो नहीं होता था ऐसा? बचपन में नहीं होता था, शादी के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, अभी दूसरे इंसान की कंपनी में रहते रहते तो सुधार लेते हैं दूसरा इंसान। ये तो मुझे नई खबर मिली है, ये पहले तैयार नहीं होती थी ऐसे नहा धो के सुबह? नहाती थी क्या तू? नहीं नहाती तो थी बट रेडी नहीं होती थी। अब इस साजिद के साथ क्या है, ही वांट्स की सुबह नहा धो के पहले रेडी हो जाओ। शिल्पा की बहन ने खोले सारे राज, पुराने चिट्ठे खोल दिए। नहीं कुछ ऐसा जो कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ मैं, जिससे इसकी हम एक तरीके से ना इसका चेहरा एकदम वो ना खिसियाने वाला वैसा बन जाए। तो वो डबल 3x देगी ना यहाँ पे मुझे, मैं कुछ बोलूंगी तो वो तब तक हम व्लॉग बंद कर देंगे जब तक तो रहता है। अभी ऐसा कुछ बताओ, ऐसा क्या है? अभी वैसे थोड़ी सुधर गई है, सिर्फ तैयार व्यार जाती है सुबह उठ के। वैसे मम्मी बचपन में डांटती रहती थी, उठो तुम लोग बेड से उठते नहीं हो। वो तुम सबूत देख सकते हो, उसकी शादी नहीं हुई है ना, अभी वो बिस्तर में पड़ी हुई है दोपहर। मुझे भी तो मिला नहीं ना इसे सुधारने के लिए तुम्हारे जैसे सुबह सुबह। टाइम आएगा कोई बात। खुशी हो रही है उसे, देखो अपनी कितनी। मेरे जैसे लड़के तो वैसे कम ही है दुनिया में। क्या हूँ तुझे, मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती ना तेरे से? नहीं तुझे डर रहता है? क्या डर रहता है? कि लोग मुझे ज्यादा पसंद ना कर ले। कैसी शक्ल? गायत्री अभी जा रही है वापस पापा के पास बरेली, यार। और फिर तीन चार यहाँ पे तुम तो काम करोगी अपना काम, यही काम है मेरा। चलो तुम रुकोगी तो मैं नहीं करूँगा काम, एक दिन और रुक सकती। ठीक है, पलट गई इसका मन नहीं है जाने का बरेली, तो करते हैं ये। हाँ। सच है, इसका बरेली जाने का बिल्कुल मन नहीं है, यूएस से आती है, इसका मन करता है यहाँ 2 दिन बरेली होके फिर 10 दिन यहाँ, 2 दिन बरेली। बरेली में वो बोर हो जाएगी ना, देखो पापा निकल जाएंगे काम पे। पापा ने साजिद को भी ऑफर दिया है कि आप बरेली में घर बना लो, मैं आपको ईंटे पथ लेना, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे बेचा करूंगा ईंटे। तो गाइस देखो भट्टा मेरा, मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ बरेली, भट्टा लगा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साल में ईंटे बनाएंगे। आपको कितनी सिंधी आती है? शहर से ज्यादा ही कम? मुझे सिंधी आती है बहुत, बहुत बहुत थोड़ी। जो नालो छा आए, मान जो नालो मतलब पागल इंसान आती तो है थोड़ी 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 आती है, इतनी नहीं आती कि बरेली में बैठ के हम लोग जब बातें करते हैं पापा कुछ बोल देते हैं साजिद, इस बार पापा ने कुछ लंबा सा 2 सेंटेंस बोले, मुझे ऐसे देख रहा मतलब तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगता है तुम पापा के सामने बैठ के जैसे कुछ बुराई कर साजिद की, तो सिंधी में एक बार कर लेते हैं फिर ये समझ नहीं पाते। ऐसे मैं नाम नहीं लूंगी बट हमारी एक बहन है, हंसी से फोन भी कांप रहा है, हमारी एक बहन है वो जैसे घर पे होती है या इवन कॉल पे बात करती है, लाइट जलाई जाए तो
दूर दराज की बहन है तो उसके साथ जीजू बैठे होते हैं तो कुछ बताना होता है, तो जैसे अभी ये बोलना है कि ये बैठे हुए मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, धीरे से बोलती है बैठो हमारा गले नहीं मतलब दीदी कभी मुझसे बात करी और एकदम से बोले पोगा है ना, बाद में बात कर, बाद में कोई बैठा है ऐसी लिख लेता हूँ क्या था याद है। गायत्री शादाब ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट मंगवा के रखा है, वुड यू लाइक टू अनबॉक्स इट? मेरा एड्रेस मत दिखो। अच्छा ठीक है यार, सॉरी एड्रेस तो कहीं नहीं दिख रहा है, उधर दिख जाएगा। तो भाई शादाब ने बड़े प्यार से गायत्री के लिए गिफ्ट मंगवाया था, वो तो है नहीं यहाँ देने के लिए, खुद भग गया है। तुमने क्या मंगवाया गिफ्ट के लिए? तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ उसको। तुमने क्या मंगवाया गिफ्ट के लिए? तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। अच्छा इस बार साजिद तुम गिट्टू को चश्मा दिला दे। ठीक है डन। तो ऐसे लूटती क्या रहती हो पूरे टाइम? कोई बात नहीं, शादाब टीवी मर्चेंडाइज मैं लूटना चाहता हूँ। शादाब टीवी मर्चेंडाइज तो शादाब ने मंगा के दिया है, अपने दिल की बात टी शर्ट पे लिखी है उसने। आई थिंक ये यूनिवर्सल दिल की बात है। दुख दर्द कष्ट पीड़ा पेन। थैंक्स। तो ये शादाब की अपनी मर्चेंडाइज है, गायत्री को पसंद थी तो पिछले साल मंगवाई थी, तब तक गायत्री चली गई थी यूएस। हम थोड़ी दुकानदारी भी करते रहे, जिसको भी मर्च चाहिए हो शादाब टीवी के इंस्टा बायो में से लिंक ले लो, खरीद ले, मैं पहनती हूं। तो ये एक साल पहले शादाब ने मंगा के रखी थी, गायत्री चली गई थी यूएस तो संभाल के उसने अलमारी में रखी हुई थी, अभी आई है तो मैंने कहा सबसे पहले पहली फुर्सत में दे देता हूँ। एक बात बता, क्या बोल रही थी तू अभी? मैं बोल रही थी डॉक्टर को दिखा लो, अब फिर तुम कह रहे हो दर्द ठीक हो गया है। नहीं अभी कुछ बोला था ना तूने मुझे अंदर रखे, मैंने कहा दिखा लो डॉक्टर को, दिन में तुम्हारा दर्द सही हो जाता है, रात को डैना शुरू कर देते हो। व्हाट इज दिस डैना गायत्री? दैट्स अवर लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? आई प्रेज्यूम दिस वाज सम सिंधी वर्ड। दिस इज नॉट सिंधी। हैं? नो दिस इज नॉट सिंधी में मुझे डैना मतलब, ये तो मैंने यहीं से सीखा है अमरोहा से। डैना क्या होता है? अरे परवेज वगैरह बोलते हैं ना डैना मत कर ज्यादा। सो गाइस अनदर वर्ड टू डिकोड, एक और वर्ड आपको डिकोड करना है, मुझे थोड़ा सा शक है कि ये सिंधी ही वर्ड है जो मेरे ऊपर मारा है, गया है। नहीं है, नहीं है। तो शब्द का नाम, शब्द कुछ ऐसे है, डैन डैन। कॉपीराइट लग जाएगा ब्लॉग में। तो तुम ब्लॉग क्यों बना रहे हो? मैं फील ले रही हूं। तो फील लेती रही हो। तो शिल्पा का न्यू फेवरेट गाना कुछ कुछ होता है, इसकी फेवरेट फिल्म है, और तू अपने आप को इसमें देखती होगी ना काजोल में। और तुम बने शाहरुख खान आए मुझे लेने। तो मैंने बोला कि अभी मेरी बैग ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि अननेसेसरी डॉक्टर दवाई देगा वो भी खानी पड़ेगी। तो फिर इसने उस शब्द का इस्तेमाल किया कि चल लो नहीं तो फिर डाय डाय करोगे। डायना तो करते ही हो तुम रात में। मैं अच्छा कसम खुदा की रात में रिपोर्ट कर देगा, डायना सुनाई देगी, रात की क्लिप बनाऊंगी जब जैसे 9 बजेंगे ना। ऐसे तो था ना पूरा टाइम ऊपर भी नहीं जा रहे खाना खाने, बट फिर ठीक हो गया था ना, तुमने ऑयल लगा दिया था। क्यूटल दादी तो कह रही है आपने ट्रबल किया दादी को आज? हाँ नहीं दादी नहीं किया आज। तो जी देखो कौन पहन के आया है, दुख दर्द कष्ट पीड़ा पेन। शादाब की मर्चेंडाइज की सेल आज का ग्राफ ऐसे जाएगा बिल्कुल, तो उसमें तुमको शेयर तो चाहिए होगा ना? वो तो मैं बोल ही रही हूँ कितना कंटेंट बनाएगा वो मेरे नाम पे, मेरे को मेरा शेयर चाहिए अभी। परसेंटेज बताओ। 50% शादाब, गायत्री ने 50% शेयर मांगा है तेरे। थोड़ा मेहनत कर लेता है वो, 40 पे आएगा। हजार नेगोशिएट है, 400 रुपए चाहिए तुम्हें। वो जो भी बात है, कल को बढ़ गया तो गायत्री नहीं साथ चाहिए। सी डजंट बिलीव इन ग्रोथ। अगर आज वो अपना शेयर लेगी कल को वो बन जाता है बड़ा यूट्यूबर, उसके मिलियंस में व्यूज आने लग जाते हैं, तो वो 40 कितना बनेगा मालूम तुमको? इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। तो ठीक है गायत्री के नाम पे शादाब कंटेंट बनाता है तो 40% शेयर देना पड़ेगा। हाँ भाई क्या चल रहा है इधर? भाभी की बहन को खाना दे रहे हैं, हम भाभी की बहन डिस्कशन कर रहे हैं। मम्मी इसकी टी शर्ट देख के हंस रही थी कट्टर सिर पर। तो अम्मी कल व्लॉग देख लेगा शादाब वाला, भाभी की बहन वाला? अम्मी ये बताइए गायत्री को ये सब कंटेंट है, मजाक है, बुरा मत नहीं उसको पता है बुरा नहीं माने क्यों? हाँ वो मजाक हम सब जानते हैं शादाब डजंट स्टैंड अ चांस।
ये ज्यादा बेइज्जती मत करो तुम मेरे देवर की। देखो अब हम खाओ, तुम साइड कैसे पलट रही हो? नहीं इतनी भी बेइज्जती मत करो सदा। ये सिर्फ साइड ही नहीं पलटती है, ये बहुत कुछ पलटती है, जुबान भी पलटती है अपनी। शुद्ध सात्विक भोजन क्या है? दाल चावल आलू गोभी। और ये माजा यूएस में नहीं मिलती है। तो तुम्हारी फेवरेट हो गई है फिर, इसका मतलब माजा तो बचपन से फेवरेट है मेरी। मुझे अपने फॉलोअर्स देखने। कहाँ देखने हैं फॉलोअर्स? मुझे अपने फॉलोअर्स देखने, कितने हो गए? कितने हो गए हैं? तो मासी दिखा देगी आपको। ये नंबर आता है आपको? इसको पता भी नहीं है। देखो क्या पूछ रही है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हो गए, दिखाना तो मेरे तो 1 मिलियन है। पापा आप मुझे अपने वीडियोस दिखाओ, कितने फोन में दिखाओ। तो कितने मासी दिखा देगी आपको, जाओ देखो। अम्मी देख लो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं ये, रात में इनकी डैडे चालू रहती है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, और सुबह उठ के बोलते हैं डॉक्टर के पास जाना। देखो डैडे क्या है, ये डैडे आपकी तरफ ही तो बोलते हैं, हम रोम में डैडे करे जा रहे हैं, और ये कह रहे तू सिंधी में बोल रही है। डैडे शुरू हो जाती है तो चलते हैं, बस रितु को ड्रॉप करते हैं और देखते हैं शादाब जी से थोड़े मजे लेंगे। आने तो उनको भी बिना नहाए धोए पहुंचेगा हुआ है। गायत्री यार शादाब से बोल देना व्लॉग में जब बना रहा होगा ना, तो थोड़ा हाँ, थोड़ा यार ग्रूम ग्रूम होके रह लिया कर, बाल बाल कटवा। और एक चीज जरूर बोलिए उसको, एक चीज और ये बोलना जरूर, जब रैंडमली कुछ बना रहा होगा ना तब बोल देना, रैंडमली बोलना है कि हाँ। यार साधा तू ना थोड़े बाल बाल कटवा के रहेगा, दाढ़ी वाड़ी बना के रहेगा, इंसान लगेगा, अच्छा लगेगा। दूसरी चीज ये भी बोल दियो उसको कि यार इतनी फुटेज मेरी मत लिया कर, तू फ्री में क्या मेरे हमेशा मेरे से कॉन्टेंट बनाता रहता है, ठीक है? जरूर बोलियो ताकि उसका मुंह ऐसे हो जाए। वो जरूर बोलना है उसको, ठीक है? तो अब हम लोग निकल गए हैं गायत्री को छोड़ने, ये जा रही है बरेली। कब आओगी वापस? वीकेंड। वीकेंड तो इसकी एक फ्रेंड है वो जा रही है, तो ये उसके साथ ही जा रही है, तो हम इसको नोएडा ड्रॉप कर रहे हैं। और मैडम जी को छोड़ने के लिए आज 3 गाड़ियां जा रही हैं। एक गाड़ी में पीछे परवेश सारा सामान ला रहा है क्योंकि यूएस से ही बड़े बड़े सूटकेसेस लाई है। हमारी थार में डिग्गी नहीं है, इसका एक बूबू पॉइंट है ये, और हम इसमें है। और शादाब जी भी आ रहे हैं, उनको भी तो ड्रॉप करना है, भाभी की बहन को, तो फ्लैट से स्पेशली आ रहे हैं। मेरे को मैसेज किया वो गायत्री गई, मैंने कहा नहीं जा रही, कह रही कहाँ, मैं भी जाऊंगा साथ, मैं भी छोड़ूंगा, सी ऑफ करूंगा। तुम्हारी दोस्त भी गएगी, इतनी गाड़ियां हैं भाई साहब, अपनी गाड़ी से नहीं जा पा रही थी तुम बरेली। देखो गाइस सामने एक टैंकर जा रहा है स्मॉग सेटल डाउन करने के लिए, तो साजिद ने वैसे ही कई दिनों से गाड़ी धुलवाई नहीं है अपनी, तो ये पीछे पीछे लग गए हैं कि यहीं पे फ्री में कार वॉश भी हो जाएगा। ये मुफ्त का कार वॉश है, पर आगे से धुलिए, पीछे से तो धुल नहीं पाए, तो और साइड से निकाल लो ना थोड़ा। बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम मुंह धोते हैं, बाकी सब अपनी बात करो, दूसरों की बात मत किया करो। गायत्री बताना जरा, कुछ मत बताओ तुम, मेरी बात हो रही है, मैं तो रोज नहाती हूँ, लड़ाइयां नहीं करना। गायत्री अभी बता रही थी दीदी को खाना खाना होता है तो 2 उंगलियां ही धोती है। ये ज्यादा हो गया, तो मैं झूठ मत बोला करो। मैंने बोला इससे एक दिन आधा खाना खा लिया, तेरे हाथ धो गया, और मैंने देखा तो 2 उंगलियां धो रही थी बस, हाथ का खाना खा। साजिद यू आर सो मीन। देखो गाइस जिसे कहते हैं शिद्दत, हम पहुंचे नहीं है अभी, हमसे पहले अगला लोकेशन पे पहुंच के खड़ा हुआ है। ये है हमारा शादाब टीवी। ओहो टेम्पू भी आ गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मतलब कभी नहीं पहुंचता तू वक्त पे इतनी जल्दी। आज कैसे टाइम पे मिलना है? इसने रास्ता भटकवा दिया था। तुमको ना सोहेल खान कहता ना किसी फिल्म में, वो टाइगर क्यों आयो, मिलने आया हूँ। और भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। मिल तो ले गायत्री से, हाय हेलो तो कर ले। हेलो गायत्री ने बोला है, इधर आ। गायत्री ने बोला है आपसे तेरे यूट्यूब चैनल में 50% शेयर लेगी वो, क्योंकि तू कंटेंट बनाता है उसके ऊपर और तेरी मर्चेंडाइज भी प्रमोट कर रही है पहन के आई है। तो इसका तो कुछ बचा ही नहीं फिर, बाकी 50 मेरा। मेरा बचा ही क्या फिर? इसका क्या बचा? 50 तेरा, ये तो क्या हो गया फिर? आप इसे सैलरी पे रख लो, तो 33-33-33 कर लो। 33-33 डन। हाँ इतना ठीक है। हाँ 50-25-25। तू सबसे बड़ा नेता है, तू 90 रख, बाकी 5% 2% ठीक है। बाय बाय, जल्दी आना, आई नीड अ पार्टनर। लड़ना मत, देखो बोल रही है वो। हाँ नहीं लड़ती मैं, जा। बस यही रोज का खर्चा, थार में 300-350 किलोमीटर चलती है 5,000 के पेट्रोल में, रोज लगानी पड़ती है लाके पेट्रोल पंप पे। मैं तो वॉलेट भूल गया, शिल्पा भरवा रही। बात नहीं, एक ही बात है यार, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। इलेक्ट्रिक कार लेनी पड़ेगी अब। मुझे अपनी बहन की याद आ रही है, बड़ी जल्दी, अभी तो गई है वो, 1 साल बाद मिली थी, एक दिन में चली गई। आ जाएगी 2-3 दिन में,
तो क्या खाती क्या बहन को जो पेट नहीं भरा? बातें करके पेट नहीं भरा। हाँ बातें करके ये ऐसे बोलना स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे लगा खाऊंगी क्या उसको, मुझे लगा तू डायन वाले काम भी करने लग गई। अच्छा अब हफ्ते में आया करेगी, एक हफ्ता पापा के पास, 3-4 दिन मेरे पास, ऐसे होगा।